की बात करें और अभी की बात करें साथियों, बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा काम है, तो अभी इसको आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, मैं चमन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल SJ सब्लिमेशन में। साथियों आज हम बात करेंगे DTF के बारे में, DTF होता क्या है और DTF कौन कौन से प्रिंटर में प्रिंट होता है, तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि DTF होता क्या है। और साथियों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आज बात कर रहे हैं हम DTF के बारे में कि DTF होता क्या है। DTF होता है आपका डायरेक्ट टू फिल्म। साथियों पहले क्या होता था, हमारे पास प्रिंट आते थे जैसा कि स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी, फिर उसके बाद आपकी हो गई सब्लिमेशन हो गई जो कि लाइट फैब्रिक पर पॉलिस्टर पर होती है, फिर इसके बाद DTG हो गई डायरेक्ट टू गारमेंट। तो अभी हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है DTF। तो DTF एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे सस्ता प्रोसेस है और मल्टी कलर, और इसको आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, पॉलिस्टर हो, लाइकरा हो, यहाँ तक लेदर हो, जूट हो, कोई भी बैग का फैब्रिक हो उस पर भी, कोई भी A to Z कोई भी फैब्रिक हो लेदर के साथ आप उसे प्रिंट कर सकते हैं ईजिली। बहुत अच्छा रिजल्ट है, अगर आप रिजल्ट की बात करें 30 to 40 वॉशेस चला जाता है। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में कि अगर आप बिगनर्स हैं, तो आपके लिए कौन सा DTF प्रिंटर सही रहता है, और अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर आप प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा प्रिंटर सही रहता है। तो हम बात कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग के लिए कि बिगनर्स के लिए कि कौन सा प्रिंटर आपके लिए सही रहेगा। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम L805, L805 और L1800, ये एक A4 और A3 साइज़ के प्रिंटर्स होते हैं। इनको हम मॉडिफाई के लिए सबसे अच्छा बेस्ट प्रिंटर मानते हैं क्योंकि इसमें 6 टैंक होते हैं, दोनों प्रिंटर्स के अंदर 6 टैंक्स होते हैं, इसके लिए इसको हम लोग DTF कन्वर्ट के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर मानते हैं क्योंकि जो CMYK के 4 इंक वर्क करती है, इसके साथ इसमें लाइट मैजेंटा और लाइट सैन कलर्स होते हैं जिसके जिसके रिप्लेस करके हम लोग वाइट इंक यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसको हम DTF के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 4 कलर टैंक को हम DTF के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपका A4 में होता है वैसा सेम प्रोसेस आपका A3 में होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसके बाद इसमें जो पिगमेंट इंक होती है DTF की वो यूज़ होती है, वाइट इंक यूज़ होती है, पैट फिल्म यूज़ होती है, तो जिसके कारण से आप DTF को वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि DTF अगर L805 या L1800 है तो क्या आपको नया प्रिंटर लेने की ज़रूरत है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नया प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सब्लिमेशन प्रिंटर है, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, या आपके पास नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर है, तो उसमें भी आप DTG का स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपका पहला सब्लिमेशन है उसकी जगह आपका DTF वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हम आपको सर्विस देने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम आपको सर्विस देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा स्क्रीन पर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों कि DTF अगर आपके पास कम ऑर्डर्स हैं तो क्या आपके लिए L1800 सही है। तो साथियों इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप पर्सनली वर्क करना चाहते हैं, देखो दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है आप प्रोडक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं और सेकंड होता है आप खुद के लिए, जितना आपके पास कम से कम ऑर्डर्स होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए वर्क करना चाहते हैं। अगर आप पर्सनली वर्क करना चाहते हैं तो L805 L1800 आपके लिए बेस्ट माने जाते हैं, इससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आपके लिए सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है। ये हो गया आपका अगर आप खुद के लिए वर्क करना चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं कि आप प्रोडक्शन देना चाहते हैं, प्रिंट निकाल कर सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए या फिर आपके पास काफ़ी बल्क क्वांटिटी में टी-शर्ट्स या लोअर्स आते हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं L1800 भी DTF के लिए अच्छा है, A3 साइज है, और जो सेकेंड हम बात कर रहे हैं जैसा ST6 है, 300 है हमारे पास 12 इंच का, तो उसको भी हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ST 12 इंच का है और आपका L1800 12 इंच का है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि क्या स्पेशल है L1800 और क्या स्पेशल होता है ST 300। तो बात करते हैं L1800 में दोस्तों एक हेड होता है, एक हेड के ऊपर आपके 5 इंकें यूज़ करनी होती हैं, CMYK प्लस वाइटिंग।
तो एक हेड के ऊपर अगर हम 5 इंक की यूज़ करते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारे प्रिंटर की स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है क्योंकि उसको पहले CMYK यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ये प्रिंट हमारा DTF है, पहले CMYK यूज़ करता है, उसके तुरंत ऊपर फिर ये वाइट इंक यूज़ करता है, जिससे क्या होता है इसकी स्पीड में फ़र्क पड़ता है। और हम बात करते हैं 12 इंच का सेकेंड, जो कि ST300 की बात कर रहे हैं उसमें साथियों, और इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है, इसमें प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये आपका ड्यूल हेड वर्क करता है। इसमें ड्यूल हेड होते हैं, दो हेड होते हैं, एक होता है आपका CMYK के लिए और सेकेंड होता है आपका वाइटिंग के लिए, जिससे क्या होता है आपके प्रोडक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो और प्रोडक्शन आप काफ़ी अच्छी मात्रा में निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास और अच्छी प्रोडक्शन है तो आप ले सकते हैं 24 इंचेस में, जैसा कि ST600 भी हमारे पास अवेलेबल होता है। ST600 में 5 इंक होती है, जैसा कि ड्यूल हेड होते हैं, इसमें भी एक आपका CMYK वर्क करता है और एक आपका वाइट इंक यूज़ करता है। अच्छा, हम बात करें कि इसमें अलग क्या है, क्यों हम L1800 लें या क्यों हम 24 इंचेस लें। L1800 पहली बात, आप पर्सनली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफिशियली या प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मगर इन प्रिंटर्स को आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कम ऑर्डर है तो आपके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग ज़्यादा है और ये मात्र आपके यूज़ होते हैं आपके प्रोडक्शन के लिए। तो क्या होता है साथियों, इनको जितना आप यूज़ करते हैं ना, ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, जितना आप इन्हें यूज़ करते हैं इनकी लाइफ उतनी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास वर्क अच्छा है तो आप 24 या 12 इंचेस में जाएं स्पेशल DTF के लिए। अगर आपका प्रोडक्शन कम है, पर्सनल वर्क करना चाहते हैं, तो आप L805 या 1800 दोनों को मॉडिफाई करा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि उसमें हम लोग प्रिंटिंग प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा कर देते हैं। क्या होता है साथियों, उसमें सब चीज़ ऑटोमेटिक चलता है। ऑटोमेटिक मतलब एक जगह आपका प्रिंट निकला, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन में दिखा दूंगा, एक जगह आपका प्रिंट निकलता है, प्रिंट आगे चलता है तो आपका जो पाउडर होता है पाउडर शेक करता है, ऑटोमेटिक पाउडर शेक करता है, पाउडर शेक करने के बाद ऑटोमेटिक वो हीट होता है, हीट होने के बाद ऑटोमेटिक वो रोल अप हो जाता है। तो ये हो गया आपका 24 इंचेस में या 12 इंचेस में, जो कि DTF के लिए स्पेशल माने जाते हैं। अब हम 1800 में बात करें, इसमें सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ता है, आपको प्रिंट निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको खुद ही वो पाउडर शेक करना पड़ता है, पाउडर शेक करने के बाद आपको हीट करना पड़ता है मैनुअली और प्रेस करना पड़ता है। तो ये फ़र्क होता है आपका L1800 या फिर स्पेशल DTF प्रिंटर के लिए। अब बात करते हैं साथियों, अगर आपके पास वर्क ज़्यादा है और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या करें। साथियों, क्या होता है अगर आप वर्क ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी वेंडर जिसके पास DTF मशीन लगी हो, आप उससे प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हैं, हम लोग आपको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, बाय एयर बाय कोरियर हम आपको ट्रांसपोर्ट देश अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर आपके नियर बाई कोई भी वेंडर हो जो DTF प्रिंट निकालता है तो वो भी आपको वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, अगर आप कटिंग स्टिकर कटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में स्टिकर कटिंग का आपका काम है, अगर आपका काफ़ी छोटे लेटर्स की कटिंग आ जाती है तो प्लीज़ आप उसके लिए DTF यूज़ कर सकते हैं। DTF एक अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि कॉलर के पीछे हम लोग बात करते हैं टैग बनते हैं जिसमें हमारी काफ़ी लाइनें होती हैं, उसके लिए आप DTF यूज़ कर सकते हैं, मल्टी कलर लोगोज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही DTF आप किस लिए भी यूज़ कर सकते हैं। DTF में क्या होता है कि आप एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं, आपके पास कुछ डिज़ाइन है और आप उन्हें ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो उनको भी आप DTF के थ्रू अच्छा सेल कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये है हमारा DTF, जैसा कि ये हमने DTF निकाला है, अभी हम इसको टी शर्ट पर प्रिंट करेंगे और भेज देंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी क्वांटिटी है तो आप हमें मेल कीजिए, हमसे व्हाट्सएप पर बात कीजिए, हम आपको प्रिंट निकाल के सेंड कर देंगे। अभी की बात करें साथियों, बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा काम है, तो अभी इसको आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से इसको वर्क करते हैं, किस तरीके से इसको प्रिंट करते हैं और कितना टाइम लगता है हमको इसको प्रिंट करने में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।